हाईली रिक्वेस्टेड कमेंट, भीगा हुआ साबूदाना, ये तो सभी बताते हैं, पर साबूदाने की खिचड़ी या फिर कोई भी रेसिपी बनाते समय साबूदाना ठीक तरीके से भिगाना कैसे है ये कोई भी नहीं बताता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूंगी कि साबूदाने को परफेक्ट तरीके से कैसे भिगाना है। इस फरमाइशी वीडियो के लिए एक लाइक तो कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साबूदाने को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, एक बाउल में या फिर कप में भर के ले लीजिए। अब एक बर्तन में डाल के अच्छे से धो लेना है, दो पानी से धोना है। इसमें क्लीन पानी डालिए, हाथों से घुमाइए, इसमें ऊपर वाइट पानी ऊपर आ जाएगा, इसे निकाल देना है। फिर से और एक पानी डालना है, साबूदाने की डस्ट होगी या फिर चूरा होगा वो इसमें घुल के निकल जाएगा। इस तरह से दो पानी से धो लेने के बाद जिस बर्तन में आपको साबूदाना भिगाना है उसमें डाल लीजिए, और जिस कटोरी या कप से साबूदाना भिगाने के लिए हमने निकाला था उसी कप को पूरा पानी से भर लेना है। इसमें का आधा पानी साबूदाने में डाल दीजिए, आधा बचा लेना है, या फिर जिस बर्तन में भिगाया है उसके ऊपर आधे इंच से भी थोड़ा सा कम, मीन्स 1/4 इंच पानी ऊपर तक आना चाहिए। इतने पानी में साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा। इतना पानी डाल लेने के बाद ढक के 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए इसे रख दीजिए। टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद साबूदाने के ऊपर का ढक्कन हटाइए, चम्मच से इसे चला के देखिए, साबूदाना एकदम खिला खिला अलग अलग अच्छे से भीग चुका होगा। अब उंगली और अंगूठे की सहायता से साबूदाने को दबा के देखिए, ये एकदम परफेक्ट भीग चुका होगा। ये साबूदाना किसी भी रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट भीगा हुआ है। इस टिप के साथ आप साबूदाने को भिगाइए और परफेक्ट खिचड़ी बनाइए या फिर कोई और रेसिपी बनाइए, एकदम सही बनने वाली है। खिचड़ी कैसे बनाना है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दी हुई है। फटाफट वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।